अंटार्कटिका, पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह। इससे ठंडी जगह इस पृथ्वी पर है ही नहीं। यहां बर्फ की इतनी मोटी चादर है कि वो अगर पिघल जाए तो दुनिया में प्रलय आ जाएगी। यहां पर लगभग 300 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलती है जो कि एक बिल्डिंग को आसानी से गिरा सकती है। इस वीरान और बर्फीली जगह में कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। इस जगह पर कोई भी इंसान नहीं जाता है और इस जगह पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। यही नहीं, इस जगह पर एलियन का बसेरा है क्योंकि इस जगह पर एलियन के सबूत पाए गए हैं। दोस्तों, अक्सर आपने अंटार्कटिका के बारे में ये बातें कहीं ना कहीं सुनी होगी। आज डिजिटल डिस्कवरीज इन सभी दावों को लेकर एक रिसर्च वीडियो लाया है जिसमें आप अंटार्कटिका के रहस्य और उसके राज के बारे में एकदम सटीक जानकारी से रूबरू होने वाले हैं। देर न करते हुए चलते हैं अंटार्कटिका के रेगिस्तान में। दोस्तों, मैंने अंटार्कटिका को रेगिस्तान क्यों कहा वो आगे वीडियो में जानेंगे। दुनिया के 7 महाद्वीपों में गिना जाने वाला ये क्षेत्र आता है जिसे अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप उसे कहते हैं जो पृथ्वी के बड़े से भूभाग में फैला ठोस क्षेत्र हो। यह बड़े महाद्वीपों के लिस्ट में 5वें स्थान पर आता है। यह पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 140 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। यह इतना है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया जितने बड़े 2 देश आ सकते हैं। पृथ्वी का इतना बड़ा भाग आज भी वीरान पड़ा हुआ है। इस भाग पर किसी भी देश का स्थायी कब्जा नहीं है। हालांकि 7 देश जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, चिली और अर्जेंटीना जैसे देश इस पर अपना अधिकार मानते हैं, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से ये मान्य नहीं है। अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ की भारी मात्रा है लेकिन बारिश न के बराबर होती है जो लगभग 200 मिलीमीटर के आसपास दर्ज की गई है। हालांकि बारिश यहाँ न के बराबर मान सकते हैं क्योंकि बारिश अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो वो सतह तक आते आते स्नो टाइप की हो जाती है जिसे बर्फ की बारिश कहते हैं। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचाई में स्थित होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक ठंडा रहता है। इस क्षेत्र का कोई भी टाइम जोन नहीं है। यहाँ मुख्यतः 2 दक्षिणी ध्रुव हैं। जब आप ग्लोब देखते हो तो देखते होंगे कि एक रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आकर एक केंद्र बिंदु पर मिल जाती है। ये केंद्र बिंदु ऐसा है जो एक ही स्थान पर रहता है, बाकी इसके चारों किनारे वाले क्षेत्र घूमते रहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी ध्रुव की अपेक्षा दक्षिणी पूर्वी ध्रुव अधिक ठंडा और शुष्क रहता है। इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। इस ध्रुव पर एक तारा समान ऊंचाई पर चक्कर लगाता है और इस बिंदु पर कभी भी अस्त नहीं होता है। अंटार्कटिका बहुत ही ठंडा स्थान है। सर्दियों के दौरान कई सप्ताहों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता और गर्मियों के दौरान दिसंबर के अंत से मार्च के अंत तक सूर्यास्त नहीं होता। अगर ध्रुव के केंद्र की बात की जाए तो यहाँ 6 महीने की सर्दियां होती हैं और इतने समय तक सूर्योदय नहीं होता, और जब सूर्योदय होता है तो 6 महीने की लंबी गर्मी के साथ। आप यहाँ दिन के किसी भी समय खड़े होकर सूरज को क्षितिज के ऊपर घड़ी की उल्टी दिशा में अपने चारों ओर घूमते हुए देख सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना बहुत ही कठिन है। यह समुद्र और समतल समुद्री बर्फ से ढका हुआ है। दक्षिणी ध्रुव का केंद्र बहुत ऊंचे स्थान पर है। यह उन स्थानों से बहुत दूर है जहां पर वैज्ञानिकों की बस्तियां हैं। यहां जाने वाले जहाजों को प्रायः बर्फीले समुद्री रास्ते से होकर जाना पड़ता है। अगर आप तट पर पहुंच भी जाते हैं तो यहां से दक्षिणी ध्रुव के केंद्र तक पहुंचने में लगभग 1600 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इसके बर्फ की सतह की बात की जाए तो लगभग 1.9 किलोमीटर तक मोटी बर्फ की सतह है जो कि लाखों वर्ष पुरानी है। कहा जाता है कि पहले इस जगह पर तापमान काफी ज्यादा था। इसके बाद यहाँ टुंड्रा वनस्पति की मात्रा काफी ज्यादा थी। फिलहाल टुंड्रा वनस्पति अभी भी है लेकिन कम मात्रा में। बाद में प्लेटलेट के सरकने के बाद और कुछ प्राकृतिक कारणों के कारण यह बर्फ का रेगिस्तान बन गया। दूसरा कारण यह भी है कि सूर्य के प्रकाश का बहुत ही कम मात्रा में यहां पहुंचना। पृथ्वी के लगभग 90% बर्फ 2 जगह पर पाए जाते हैं,
एक ग्रीनलैंड और दूसरा अंटार्कटिका में। यहाँ पर पृथ्वी का लगभग 70% से ज्यादा पीने लायक पानी मौजूद है, जो एकदम मिनरल वाटर की तरह साफ है। लेकिन सिर्फ बर्फ के रूप में, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये मीठा पानी किसी कारणवश पिघल जाता है तो दुनिया के समुद्रों के जलस्तर में लगभग 60 मीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये बढ़ोतरी इतनी है कि इसमें दुनिया के बड़े से भूभाग से इंसानों का नामोनिशान मिट सकता है। अंटार्कटिका में, जहां गर्मियों में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो वहीं सर्दियों में यहां का तापमान लगभग -60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहां का आज तक का सबसे कम तापमान -82.2 मापा गया, जो आज तक का पृथ्वी का सबसे कम तापमान वाले क्षेत्र में दर्ज है। अंटार्कटिका में वैसे तो कोई इंसान नहीं रहता है, यहाँ पर किसी को रहने के लिए प्रतिबंध भी है, लेकिन आप वहाँ परमिशन से जा सकते हैं। यह बीरॉन क्षेत्र दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों के रिसर्च का घर भी माना जाता है, जिसमें भारत भी शामिल है। अंटार्कटिका के बर्फ की शेल्फ संभवतः पहली बार 1820 में फैबियन गोटलिब वॉन बेलिंगहॉसन और मिखाइल लाजरेव के नेतृत्व में एक रूसी अभियान के दौरान देखी गई थी। अंटार्कटिका पर लगभग 30 देशों का शासन है, जो सभी 1959 में बनी अंटार्कटिक संधि प्रणाली के पक्षकार हैं। संधि की शर्तों के अनुसार अंटार्कटिका में सैन्य गतिविधि, खनन, परमाणु विस्फोट या फिर कोई और मानवीय कार्य करने की अनुमति किसी भी देश को नहीं है। गर्मियों के महीनों के दौरान लगभग 5,000 लोग यहाँ पर बने अनुसंधान स्टेशनों पर रहते हैं, पर सर्दी आते ही यह आंकड़ा घटकर लगभग 1,000 हो जाता है। इन वैज्ञानिकों का लगभग 80 से ज्यादा रिसर्च सेंटर है, जो यहाँ पर जमी बर्फ के साथ साथ मौसम बदलाव और बहुत कुछ चीजों के बारे में खोज करते हैं। यह क्षेत्र चारों ओर समुद्र से घिरा है। समुद्री तूफान और हवाएं यहाँ बिना किसी रोक टोक के बहती है। इनकी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि पलक झपकते ही वो तुम्हें गिराकर बर्फ में तब्दील कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र से सीधी हवा आती है। अंटार्कटिका में इस ग्रह की सबसे तेज काटाबैटिक हवाएं हैं, जो चौंका देने वाली हैं। ये हवाएं 200 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। अगर यहाँ के जीव की बात करें तो एम्परर पेंगुइन जैसे जीव का नाम पहले आता है। ये जीव अंटार्कटिका के पश्चिमी तट के पास रहते हैं। ये बर्फ की सतह पर रहते हैं और अपने भोजन की तलाश में समुद्र में गोता लगाते हैं। इनका शरीर यहाँ के तापमान के लिए बिल्कुल अनुकूल रहता है। इनका जीवन आधे समय समुद्र में और आधे समय बर्फ की सतह पर बीतता है। यह उड़ नहीं सकते, पर ये मनुष्य की तरह दो पैरों पर चलते हैं। समुद्र में गोता लगाकर ये मछली और कुछ जलीय जीव खाते हैं। प्रजनन के लिए ये बर्फ की सतह पर आते हैं। ये अंडे देते हैं और उन अंडों पर बैठकर उनको गर्मी देते हैं। ये एक अच्छे पेरेंट्स की भूमिका निभाते हैं। अंडों को गर्म करते हुए इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर भी ये अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं। वैज्ञानिक बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और पिघलते बर्फ को लेकर इनके अस्तित्व को लेकर चिंतित रहते हैं। अंटार्कटिका के समुद्र में सील के साथ साथ और भी जीव पाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ शीतानुकूलित पौधे और जीव ही जीवित रह सकते हैं, जिनमें पेंगुइन, सील, निमेटोड, टार्डीग्रेड, पिस्सू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्म जीव के अलावा टुंड्रा वनस्पति भी शामिल है। इस दुनिया में ऐसे दो ही जगह है जहां कोई भी प्रजाति का सांप नहीं पाया जाता है, एक न्यूजीलैंड और एक अंटार्कटिका। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका एलियन का बसेरा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बात एकदम से अफवाह है। आज तक यहां एलियन सभ्यता के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का लाभ तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें भी मोटिवेट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रोचक टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।